हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी, जिसमें हमने स्टार्ट किया है चैप्टर सेकंड, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। इससे पहले जो हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं, इससे पहले हमने क्या बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन कर रखा है, जैसे कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के बाद में पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट कैसे बनता है, और अगर हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएट दे रखी है या फिक्स दे रखी है, उनके बेस पर पार्टिकल्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसे बनते हैं। इसके अलावा हमने क्या सीखा बेटा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा है, ठीक है। तो आज हम क्या नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं, नए टॉपिक का नाम है बेटा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या चीज़ है बेटा नाम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर मैं आपके लिए क्या 3 टाइप्स के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक। एक एक करके करेंगे और उनको साथ साथ क्या करते हैं समझते चलेंगे, ठीक। तो देखो पहला क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं, पहले क्वेश्चन को बेटा क्या रीड करते हैं। देखो, अ पार्टनर ड्रॉज ₹10,000 पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 15% PA। कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ द ड्राइंग्स। एक पार्टनर है जिसने बेटा ₹10,000 निकाले हर महीने, किस रेट से, 15% की पर एनम से, पर एनम, ये बेटा PA है ना, पर एनम ईयरली, ठीक। कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ द ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट का चार्ज लगाना है कि अगर उसने हर महीने की स्टार्टिंग में निकाले हैं, या हर महीने के मिडिल में निकाले, या हर महीने के एंड में निकाले, अगर इस तरह से निकाले हैं तो उस पर क्या क्या चार्ज लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। तो देखो बेटा, इसे करने के 2 मेथड हैं, एक तो केस वाइज है, मैं ऐसे करा दूँ आपको अलग अलग, केस 1, ठीक, इसे ऐसे करा दूँ केस 1, फिर इसके बारे में सब कुछ लिखो, केस 2, फिर उसके बारे में सब कुछ लिखो, केस 3, फिर उसके बारे में सब कुछ लिखो। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं कराऊंगा, मैं आपको कैसे कराऊंगा, एक टेबल फॉर्म में कराऊंगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक साथ सारा का सारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलो करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। पहले टेबल बनाना बहुत आसान है बेटा, देखो सबसे पहले 2 पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करो, ठीक, कर ली हमने, 2 पैरेलल लाइंस को क्या करना है बेटा, ड्रॉ करना है, ठीक। इसके बाद में अब लाइन को ऐसे करके ड्रॉ करो, इसे 3 हिस्सों में बांट लो, बांट ली, ठीक है, हो गए 3 हिस्से। देखो बेटा यहाँ पर लिखते हैं केस 1, यहाँ पर लिखते हैं केस 2, यहाँ पर लिखते हैं केस 3। बेटा केस क्या है, 1, 2, 3, इन्हीं को केस 1 बोलते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। अब देखो ये वाला कौन सा है बेटा, ये वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है, इनके नेम भी दे दो, ठीक, इनके नेम भी दे दो। देखो क्या कह दिया है, इन द बिगनिंग, सबसे पहला वाला क्या है, बिगनिंग, सेकंड वाला मिडिल, थर्ड वाला एंड, ठीक, हमने इसी के हिसाब से लिख दिया है, लिख दिया। अब देखो यहाँ पर लिखना है हमें देखो बेटा हमने यहाँ पर कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं हम, जो कि कॉमन पार्ट है, क्या है बेटा देखो, पहली बात तो इसने ड्राइंग कितनी करी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, आप भी ऐसे लिखोगे नोट्स में डाल करके, नोट कैसे, टोटल ड्राइंग्स कितनी करी है बेटा इसने, टोटल ड्राइंग्स देखो ₹10,000 पर मंथ, ₹10,000 हर महीने निकाले हैं। अब ₹10,000 हर महीने निकालें तो बताओ एक साल में बेटा कितने महीने होते हैं, 12, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 12 से, तो आ गया ना ₹1,20,000, ये ईयरली इसकी क्या होगी, ड्राइंग्स होगी। इसने एक साल में बेटा कितने पैसे निकाले, ₹1,20,000, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमें गिवन दे रखा है, कितना है बेटा 15%, ठीक है। ये इस टेबल को बनाने से पहले की ज़रा 2 लाइन है बस, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 2 लाइन्स क्या करनी है, अपने माइंड में कैलकुलेट करके रखनी है, या फिर साइड में कहीं भी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा हम निकालते हैं एवरेज पीरियड,
क्या निकालते हैं बेटा? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड बेटा कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला समझो, मंथ इन अ ईयर प्लस वन अपॉन टू। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला, मंथ इन अ ईयर प्लस वन अपॉन टू। मंथ इन अ ईयर बेटा आप बताओ कितने होते हैं? मंथ इन अ ईयर कितने होते हैं बेटा? 12 प्लस वन अपॉन टू। सही आई बात समझ में? एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 प्लस वन, तो बेटा टोटल कितना हो गया? 13 अपॉन टू। बात समझ में आ गई? 13 अपॉन टू को अगर हम काट देंगे बेटा तो आ जाएगा 7.5। आगे बात समझ में? बिगनिंग के लिए पीरियड कितना आ गया? 7.5। केस टू, मिडिल के लिए निकालो। इसके लिए बेटा क्या करते हैं? सेम फॉर्मूला, मंथ इन अ मंथ इन अ ईयर प्लस वन माइनस वन अपॉन टू। मंथ इन अ ईयर प्लस वन माइनस वन अपॉन टू। मंथ इन ईयर बेटा कितने होते हैं? 12 प्लस वन माइनस वन अपॉन टू। प्लस वन से माइनस वन कट गया, 12 अपॉन टू। इतनी कैलकुलेशन समझ में आ रही है? सिर्फ जरा सी सिंपल सी मैथ्स है बेटा, सिंपल सी मैथ्स। मैथ्स भी नहीं कहते, एक नॉर्मल रीजनिंग है जो हमें करनी ही करनी है, इतनी सी कि बचपन में छोटे भाई भी पढ़ते हैं बेटा, प्लस माइनस क्या होता है ना। अगर बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, आप बस स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। टू से डिवाइड कर दिया तो बेटा कितना आ गया? 6। इसका एवरेज पीरियड इतना है और इसका एवरेज पीरियड इतना आ गया, ठीक। केस थर्ड, मंथ इन अ ईयर माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। कुछ लोग अकाउंट्स को इसीलिए नहीं लेते क्योंकि इसमें मैथ्स होती है, ऐसा लोगों का मानना है। वो बोलते हैं अरे इसमें मैथ्स होती है, हमें मैथ्स नहीं आती। अरे ये मैथ्स नहीं है, ये तो आपकी डेली टू डेली लाइफ के यूजेस हैं बेटा। ये चीज़ें तो आपको ज़िंदगी में हर जगह पर काम आएंगी। आपकी सैलरी आ रही है वो भी आपको प्लस करनी पड़ेगी, आपके एक्सपेंसेस आए वो आपको माइनस करने पड़ेंगे, है ना। कहीं से और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आ गई वो आपको प्लस करनी पड़ेगी। तो प्लस माइनस और डिवाइड ये क्या, हमारी ज़िंदगी के हिस्से होते हैं, ये कोई अकाउंट्स थोड़े नहीं है, ये तो अपनी ज़िंदगी के हिस्से हैं, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा? 12 माइनस वन अपॉन टू। टोटल कितना आ गया बेटा? 11 अपॉन टू। डिवाइड कर दिया तो आ गया 5.5। एवरेज पीरियड इसका निकलाया, देखो एक का एवरेज पीरियड इतना है, कैसा है? मंथ इन ईयर प्लस वन अपॉन टू। 12 प्लस वन अपॉन टू 7.5, डिवाइड कर दिया 12 प्लस वन माइनस वन अपॉन टू, 12 अपॉन टू डिवाइड कर दिया 6 आ गया। मंथ इन ईयर माइनस वन अपॉन टू, 12 माइनस वन 11 अपॉन टू 5.5 आ गया, ठीक। अब निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो कितना आसान है। टोटल ड्राइंग्स, इसका फॉर्मूला होता है बेटा क्या? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड मल्टीप्लाई 1/12। अब बेटा इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये लगाना 1/12, है ना। आप अक्सर इसे लगाना भूल जाओगे। ये याद रहेगा टोटल ड्राइंग्स, रेट याद रहेगा, एवरेज पीरियड यहाँ निकाला इसलिए ये भी याद रहेगा, ये लगाना भूल जाओगे। और अगर आप ये छोटी सी मिस्टेक करेंगे ना तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, इस स्टेप पे भी ध्यान देना है कि हमें 1/12 से भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक। सेम फॉर्मूला हर एक में रहेगा, तो हम पहले इसका कर लेते हैं। टोटल ड्राइंग्स बेटा कितनी हमारी? 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा? 15/100। एवरेज पीरियड हमारा कितना था? 7.5 मल्टीप्लाई 1/12। 7.5 का अगर हम जीरो लगा दें बेटा, हटा दें यहाँ से और यहाँ 10 बढ़ा लें तो कोई गड़बड़ है नहीं है। पॉइंट हटा करके जीरो बढ़ाते हैं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, ये गया। अब देखो बेटा 12 बन जा और 12
वन जा, ठीक है। और अब कितना, वन के ऊपर एक जीरो, वन के ऊपर एक जीरो, यहाँ हो गया 100। अब एक जीरो दो जीरो, ये दो जीरो, एक और जीरो कटेगा हमारे ये, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कितना बचा, एक जीरो बचा, ठीक। नहीं, एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक। फिर एक और, तीन जीरो कट गया हमारे ये बचा, ठीक है। इसके बाद में क्या बचा हमारे पास, देखो रुपीज़ का साइन चल रहा है, 10 बचे मल्टीप्लाई 15 बचे मल्टीप्लाई 75 बचा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं बचा है। तो इसकी कर लो ज़रा, 15 5 जा 75 का 5 कैरी आ गई 7, 15 7 जा 90, तो ये आ गया 97 और ये आ गया 0। तो कितना आ गया बेटा, 9750। आंसर कितना आ गया बेटा, 9750, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमने बिगनिंग में करी है, कितनी, 1,20,000 का हमें इंटरेस्ट बेटा कितना देना पड़ेगा, 9,750 रुपीज़, ठीक है। ये आ गया हमारे फर्स्ट केस का। अब करते हैं सेकंड केस, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट, ए पी, क्या है बेटा, ए पी एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/12। देखो टोटल ड्राइंग्स बेटा हमारी रुपीज़ 1,20,000 थी, मल्टीप्लाई 15/100 मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट हमारा 6 आया बेटा, मल्टीप्लाई 1/12, तो 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो, बात बराबर रहेगी। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गए, ठीक बेटा। 12 बन जा 12 हो गया, और 12 बन जा 12 हो गया, 1 के पीछे दो जीरो आ गए, ठीक बेटा। 15 6 का कितना होता है, 90 लिखा और दो जीरो लगा दिए हमने, रुपीज़ 9,000। सेकेंड का इंटरेस्ट बेटा कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमने मिडिल में करिए तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा कितना आ गया, 9,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसमें करते हैं, मंथ इन अ ईयर, नहीं टोटल ड्राइंग, सॉरी टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 1/12। दे रहा है दिखाई, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड मल्टीप्लाई 1/12, ठीक है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/12 लगाना मत भूलना, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स बेटा हमारी रुपीज़ 1,20,000 है, मल्टीप्लाई रेट है 15/100 मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट बेटा हमारा 5.5 आया, मल्टीप्लाई 1/12 लगा लिया। अब देखो एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट हटाया नीचे जीरो बढ़ा लिया, ठीक है। पॉइंट हटाने के बाद हमारे क्या, यहाँ से पॉइंट भी हट गया, ठीक। अब देखो एक दो तीन, एक दो तीन, ये जीरो गए, 12 बन जा पीछे आ गया जीरो, ठीक है। अब इसका कितना आ गया रुपीज़, 15 5 जा 75 का 5, ठीक बेटा, कैरी आ गई 7, 15 5 जा 75, 75 5 82 5 0 आंसर। बेटा क्या समझ में आया, 82 5 0 बेटा इसका आया, समझ में आया बच्चे, 9,000 रुपीज़ इसका आया और 9,750 रुपीज़ इसका ये इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया, जो हमने 1,20,000 निकाली है ना, वो अगर हमने बिगनिंग में निकाली तो इतना देना पड़ेगा, मिडिल में निकालिए तो इतना देना पड़ेगा, एंड में निकाली तो इंटरेस्ट हमें इतना देना पड़ेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखो ये जो केस दे रखे ना, बिगनिंग मिडिल एंड, ठीक है, इस हिसाब से दे रखे हैं, ठीक बेटा। अब हमने भी ऐसे ही करें, एवरेज पीरियड निकालना, देखो पहले तो टोटल ड्राइंग्स निकाल लो, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन दे रखा है, एवरेज पीरियड निकाल लो। एवरेज पीरियड बेटा निकालने का फॉर्मूला मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है सेम टू सेम अप्लाई होगा, इसमें बस जरा सा स्लाइटली चेंज होगा, बड़ा ही लाइट चेंज होगा। देखो यहाँ पर प्लस वन है, यहाँ पर प्लस थ्री हो जाएगा, यहाँ प्लस वन माइनस वन है, यहाँ प्लस थ्री माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वन है, यहाँ पर माइनस थ्री हो जाएगा, बस इतना चेंज होना है, इसके बाद में पूरा क्वेश्चन सेम है, इसीलिए मैंने क्या करा है, स्टेप बाय स्टेप कराता जा रहा हूँ, ठीक। तो आपको क्या करना है बेटा, ये इसको नोट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, ज़रा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लो बेटा।
ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। देखो मैं इसमें देखना सब कुछ रफ नहीं करूँगा। देखो बेटा मैं इसमें सिर्फ ये वाली चीज़ रफ करूँगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन के लिए। और मैं इसमें यहाँ से प्लस वन हटाऊँगा। ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, इसके बाद की कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो मैं इसमें कुछ चेंज नहीं करूँगा, इसका मतलब है ये क्वेश्चन और फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, बिल्कुल सेम है नहीं है। जब मैं इसे रफ ही नहीं कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, पूरा सेम हो जाएगा। देखो एक सेकंड बस, जल्दी जल्दी कर लो भाई। यहाँ से ये हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये हटाओ। देखो हाँ ये हो गया। अब देखो ये ऐसे मैंने इसलिए लिखा है, देखो इसमें हम क्या कर रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे बेटा बिगनिंग में, मिडिल में, एंड में। ठीक, पहले हमने स्टार्टिंग में निकाली ड्राइंग्स, फिर हमने मिडिल में निकाली, फिर हमने एंड में निकाली। ठीक है, मंथ ऑफ द एंड। अब देखो इसमें क्वार्टरली कर रहा है, मतलब हर चार महीने में क्या कर रहा है, वो एक बार ड्राइंग्स कर रहा है। ठीक है, लेकिन बिगनिंग, एंड और मिडिल, इसमें कन्फ्यूज मत होना, आप गलत कराओगे 100%। इसमें दे रखा है बिगनिंग, मिडिल, एंड। इसमें दे रखा है बिगनिंग एंड मिडिल। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो आप फॉर्मूला सेम एज इट इज़ ये वाला लगा के आओगे। ठीक, ये वाला लगा के आओगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो और फर्स्ट टाइम में इतनी अच्छे समझ में नहीं आता। लेकिन आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आएगा कि बेटा यहाँ पर मिडिल नहीं है, इसमें यहाँ पर ये मिडिल नहीं निकलवा रहा है, यहाँ पर ये एंड का निकलवा रहा है। सेकेंड केस में किसका, एंड। और जो थर्ड केस है बेटा, इसमें ये किसका निकलवा रहा है, मिडिल का। ठीक है, इसमें किसका निकलवा रहा है, मिडिल का। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिगनिंग का सेम, यहाँ एंड हो गया, यहाँ मिडिल हो गया। ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया हमारे दूर। सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, टोटल ड्राइंग्स उसने कितनी करी है। तो टोटल ड्राइंग्स केस वन प्लस वन एंड टू, टोटल ड्राइंग्स बेटा किस में, केस वन में और टू में। क्यों, क्योंकि दोनों में सेम निकाल रहा है ना, 60,000 इसमें निकाल रहा है, 60,000 इसमें निकाल रहा है। हम एक साथ कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो बताओ 60,000 रुपीज़ तो वो निकाल रहा है, लेकिन कैसे निकाल रहा है बेटा, वो क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी पड़ेगी, फोर से। ठीक है, तो हमने कर दी इसकी मल्टीप्लाई फोर से। आंसर कितना आ गया बेटा, 240,000 आ गया, इतना आ गया 240,000। अब निकालेंगे टोटल ड्राइंग्स केस थर्ड। थर्ड में बेटा कितने निकाल रहा वो, ₹90,000 मल्टीप्लाई फोर। आंसर कितना आ गया, ₹3,60,000। इतनी बात समझ में आई, 3,60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा सब में सेम है, कहाँ गया, ये है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा क्या है, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगा हमें, 10%। चलो हम निकालते हैं। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे बेटा, एवरेज पीरियड मंथ इन ए ईयर प्लस थ्री। उसमें प्लस वन करा था, इसमें प्लस थ्री कर दिया, कितना आसान बन गया। देखो 12 + 3/2 कितना हो गया बेटा, 15/2। और एवरेज पीरियड हमारा कितना आ गया, 7.5। ठीक है, 7.5 आ गया। इसमें ये एंड है बेटा, मिडिल मत कर देना, इसे प्लस और माइनस मत करना, याद रखना ये एंड वाला सीन है। तो क्या रहेगा बेटा, प्लस थ्री माइनस का थ्री। ठीक है, नहीं सॉरी, ये एंड का, देखो मैंने भी गलत कर दिया, माइनस का थ्री। ठीक है, यहाँ पे क्या होना है, माइनस का थ्री। ऐसे ही आप गलत करके आओगे, जब आपका ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है ना, तो हमारे क्या होता है, हमारा माइंड भी उसी हिसाब से रीड करता है फिर, क्या पहले जो करते हैं ना उसी हिसाब से। देखो मंथ इन ईयर कितना हो गया बेटा, 12 - 3/2 कितना आ गया, 9/2 कर दिया, ऐसे डिवाइड तो कितना आ गया बेटा, 4.5।
एवरेज पीरियड इसका कितना आएगा 4.5, ठीक है। और आपने अगर प्लस 3 माइनस 3 कर दिया तो देखो इतना आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 12 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2, माइनस प्लस कट गई तो कितने बचे 12 अपॉन 2 और आंसर कितना आ गया 6, एवरेज पीरियड कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अगर आपने ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मिस्टेक करके दिखाई थी कि ऐसे कर सकते हैं वो वाली कर दी तो आपका 6 यहाँ आएगा, 4.5 यहाँ आएगा और पूरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड इंटू 1/12, इसमें कोई चेंज आया नहीं आया। आपको ज़रा सा चेंज बस प्लस 3 माइनस 3 याद करने की ज़रूरत है कहाँ कहाँ आएगा और प्लस 1 की जगह कहाँ आएगा और माइनस 1 की जगह कहाँ पर आएगा, ठीक है, इतना याद करना है। इसके बाद में टोटल ड्राइंग्स बेटा हमने केस 1 में कितनी करी है, बिगनिंग की मैं देखो ये करी है ₹2,40,000 मल्टीप्लाई रेट बेटा हमारा 10/100 है इंटू एवरेज पीरियड बेटा हमारा 7.5 है इंटू 1/12 है, ठीक। पॉइंट उठाया जीरो लगा लिया, ठीक है, पॉइंट उठाया जीरो लगा लिया तो ये 75/10 हो गया। अब देखो एक जीरो से एक जीरो गया, एक दो दो जीरो से दो जीरो गए, ठीक है, 12 1 जा 12 2 जा, टू के पीछे कितने जीरो, दो जीरो। कैलकुलेशन समझ में आ रही है ये वाली चीज़। अब देखो दो जीरो तो हमारे रहेंगे, ठीक है, 75 2 जा होता है 150, तो हमने 150 दो जीरो ये थे तो रुपीस हमारे कितने आ गए बेटा, ₹15,000 इंटरेस्ट आ गया हमारा। अगर हम क्वार्टरली क्या करते हैं, बिगनिंग ऑफ द क्वार्टरली हम ड्राइंग्स करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ गया ₹15,000, ठीक है। अब सेकंड का करके देखते हैं, टोटल ड्राइंग्स बेटा केस सेकंड में देखो कितनी है, ₹2,40,000 ये हमने पहले ही कैलकुलेशन करके रखी है छोटी सी, ठीक है, इंटू 10/100 इंटू AP एवरेज पीरियड कितना है बेटा 4.5, ठीक है, इंटू 1/12, 4.5 से हमने पॉइंट उठा दिया बेटा, पॉइंट उठा दिया तो हमने यहाँ पर जीरो लगा लिया, जीरो से जीरो गया वन से वन टू, टू जीरो से टू जीरो चले गए, ठीक है, 12 1 जा 12 12 2 जा, ठीक, दो जीरो यहाँ बचे। अब कितना 45 की मल्टीप्लाई 200 से होनी है तो रुपीज़ देखो जो दो जीरो तो दो जीरो आएंगे, ठीक है, 45 2 जा होता है 90, तो यहाँ पर आ गया 90 और दो जीरो ही आ गए तो हमारे रुपीज़ कितनी आ गई इंटरेस्ट बेटा, हमारी आ गई 9,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा, इस केस में कितनी आ गई 9,000, ठीक है। अब इस केस में देखो टोटल ड्राइंग्स बेटा रुपीज़, देखो थर्ड केस ये दे रखा बेटा, केस 3 ₹3,60,000 मल्टीप्लाई रेट दे रखा है 10/100 मल्टीप्लाई AP एवरेज पीरियड आया 6 मल्टीप्लाई 1/12, जब सिंगल डिजिट हो कुछ ना हो तो नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ठीक, 1 लगा लिया हमने नीचे। अब देखो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है, 6 1 जा 6 2 जा 2 18 जा, इसके पीछे कितने जीरो, एक दो तीन, तीन जीरो यहाँ पर लगा लिए तो बेटा ₹18,000 हमारे इंटरेस्ट इस पर आ गई, ठीक है, आगे बात समझ में। तीनों का इंटरेस्ट निकाल लिया हमने, देखो बेटा अगर हमने क्या करा है, बिगनिंग ईच क्वार्टर करा है तो हमारी इंटरेस्ट कितनी आ रही है 15,000, हमने एंड ऑफ द ईच क्वार्टर करा है तो कितनी आ रही है 9,000, ठीक है, ये आ गई हमारी, और हमने क्या करा है मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर करा है तो कितनी आ गई बेटा हमारी 18,000, ये हमारी इंटरेस्ट आ रही है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बिल्कुल सेम है, डिट्टो कॉपी है इसकी तरह, इसकी तरह है, आपने कोई भी एक सीख लो, चाहे आप इसे सीख लो अच्छे से, चाहे आप इसे सीख लो, बस एक को अच्छे से सीखने की ज़रूरत है, दूसरा उसका रिवीजन है, वर्जन कॉपी है एक तरीके से, ये समझ लो कॉपी में बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। अगर इसे सीखते हो तो इसमें प्लस 1 माइनस 1 का मॉडिफिकेशन है, और इसे सीखते हो तो इसमें प्लस 3 माइनस 3 का मॉडिफिकेशन है, बस इतनी सी चीज़ है ना। आप क्या करो बेटा, इसको ज़रा मैं साइड में हो जाता हूँ, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको उतार लो अपनी नोटबुक में, ठीक है, कर लिया बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका, ठीक, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, ठीक, ले लिया, चलो नहीं तो कोई बात नहीं, बैक करके ले लेना इसको। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा,
देखो जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है, आराम से समझो, प्यार से समझो, तुम्हारे बोर्ड हैं बेटा, अगर ऐसे देखते रहोगे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको, देखो हैंड प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आपको इसे, ठीक है। इसे क्या करना पड़ेगा आपको, अपने हाथ से लिख लिख करके ये चीज़ क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा आपको, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना आप क्या करोगे, बोर्ड आएगा, बोर्ड में एक क्वेश्चन तो आएगा, अगर आप ऐसी आँखों से ऐसे देख के चले गए, अच्छा ये आते ये आते ये आता है, बोर्ड में जाके 100% लिख के ले लो, आपको आता होगा पर स्टेप्स क्या कराओगे, गलत कराओगे, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करनी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, थर्ड पार्ट ये है। इसमें क्या बोल रहा है बेटा, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ राकेश एट द रेट 10% PA। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दे रखी है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें दे रखा बेटा कितना, 10% PA। PA का मतलब होता है पर एनम, ठीक, फॉर द ईयर एंडेड 31st March इन द विवर। इसमें क्या दे रखा है, एक हमारे जो बिजनेस है वो कब एंड हो रहा है बेटा, 31st March 2022 को हो रहा है, हर साल की तरह। अब इसमें केस दे रखे हैं, केस 1 है, इफ़ ही विड्रूज ड्यूरिंग द ईयर वर ₹30,000, अगर वो अपनी कैपिटल्स को क्या, उस ड्राइंग्स को क्या कर रहा है, निकाल रहा है ड्यूरिंग द ईयर, पूरी साल निकाली उसने, पूरी साल की निकाल के दे रखी है आपको। देखो इसमें कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने इसमें 10 मल्टीप्लाई 12 करा था ना, जैसे हमने इसमें 60 मल्टीप्लाई 4 करा था और 90 मल्टीप्लाई 4 करा था, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ईयरली दे रखा है, मतलब पहले से ही दे रखा है, 12 की मल्टीप्लाई करके दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें गिवन क्या क्या दे रखा है, टोटल ड्राइंग्स केस 1, ठीक है, केस 1 दे रखा है इसका, इसका करना है बेटा, ठीक है, इसका कर चुके, इसका कर चुके, अब इसकी बात आती है, इसके में केस 1, केस 1 टोटल ड्राइंग्स बेटा हमें कितनी देर की है, ₹30,000, ठीक है बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या दे रखा है हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज जो करना है हमें, कितना चार्ज करना है बेटा, देखो 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कितना चार्ज करना है बेटा, 10%, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, इसमें बेटा एवरेज पीरियड नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है इसमें, एवरेज पीरियड। तो देखो एवरेज पीरियड जब नहीं दे रखा हो तो नोट करो, यहाँ पर कहीं पर भी नोट कर लेना जरा सा नोट, इफ़ एवरेज पीरियड इज नॉट गिवन व्हेन वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देन वी अज्यूम 6/12 एज एवरेज पीरियड। आई बात समझ में बेटा, जब हमें एवरेज पीरियड नहीं दे रखा हो तो हम 6/12 एवरेज पीरियड को क्या करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं। तो बताओ एवरेज पीरियड आपको समझ में आ गया कितना आ गया, तो AP अब हमें कितना दे रखा है, 6/12, ये हम अपनी तरफ से अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, कि 6/12 क्या हो जाएगा इसका, एवरेज पीरियड हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आएगी, नोट को तो आपने नोट कर ली, मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसका ज़रा नोट उतार लेना बेटा, ठीक है, उतार लिया, ठीक। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट था, और नहीं तो आप क्या करोगे, आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, CBSE में छोड़ाओगे बोर्ड में, ठीक है, अगर आ जाए तो, और बहुत आसान है। आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे बेटा, हमने पिछली में क्या निकाला था, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड, ठीक है, सिंपल सी चीज़, कितना है टोटल ड्राइंग से, ₹30,000, रेट कितना दे रखा बेटा, 10/100, AP कितना आ गया हमारा, 6/12, ठीक है, 10 से 10, 10 से 10, 6 1 जा 6 2 जा 2 15 जा, तो बेटा हमारा कितना आ गया, 30,000 है ना, 2 15 6 6, ठीक है,
तो हमारा कितना आ गया रुपीस 1500, रुपीस 1500 आ गया हमारा। ठीक है, कितना आ गया बेटा रुपीस 1500। ठीक, इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं, जब तक तो मैं साइड में हो जाता हूँ। ज़रा कर लिया नोट बेटा, रुपीस 1500 इंटरेस्ट में ड्राइंग आ गया हमारा। आ गई बात समझ में? ठीक बेटा, मैं बार बार साइड में इसलिए हो रहा हूँ जिससे कि आपको ये, मैं ऐसे चलता हूँ ना तो आप मेरे से कोई चीज़ इसमें कहीं छुप ना जाए। ठीक, इसीलिए आपको क्या करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न हो या तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो, या फिर क्या कर लो, वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ठीक है, अब देखो केस सेकंड, केस सेकंड में क्या बोल रहा है। इफ़ ही विड्रू रुपीज़ 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, केस वन की तरह है, बिल्कुल सेम है। उसमें पूरी साल की ड्राइंग दे रखी थी, इसमें पर मंथ की दे रखी है, इसमें कुछ नहीं है। देखो टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स केस सेकंड, टोटल ड्राइंग्स बेटा कितनी है रुपीस 2500 मल्टीप्लाई बाय 12, पर मंथ की दे रखी है, 12 से मल्टीप्लाई कर लिया तो पूरी साल की निकल आएगी। ठीक है, कितना आ गया रुपीस 25560 करी से, और 12 2 8 24 30, कितना आ गया बेटा रुपीज़ 30,000। ठीक है, कितना आ गया रुपीज़ 30,000 टोटल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा हमें 10%। ठीक है, एवरेज पीरियड, बात आ गई एवरेज पीरियड की, क्या है इसमें दे रखा कहीं एवरेज पीरियड, नहीं दे रखा। क्या अज्यूम करेंगे, अभी नोट क्या लिखाया था 6/12, तो एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड कितना आ गया 6/12, कितना आ गया बेटा 6/12। क्या अब निकाल लोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? यस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट, एवरेज पीरियड, सॉरी एवरेज पीरियड कितना आ गया, टोटल ड्राइंग्स कितना है रुपीज़ 30,000, रेट कितना है बेटा 10/100, एवरेज पीरियड कितना आ गया 6/12। ठीक है, वही सेम, वन वन से वन, सिक्स वन जा सिक्स, टू जा टू, फिफ्टीन जा कितना आ गया रुपीज़ 1500 आंसर। हैंस वी हैव डन ऑल द केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्या कर लिए बेटा, हमने सारे केसेस कर लिए। इससे अलग अगर कुछ आएगा तो वो इतना खास नहीं है, जितने खास ये हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये तीन केसेस क्या हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपकी इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक, एक कॉपी लेके बैठो, बार 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 क्या करते चलो, इसकी प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, आपको ये चीज़ क्या हो जाएगी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, बिगनिंग मिडिल एंड, इसमें भी बिगनिंग एंड मिडिल। ठीक है, मंथ में कितने क्या होता है, क्वार्टर में क्या होता है। ठीक है, मंथ और क्वार्टर का जब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा तब इस पर पहुंचना है कि अगर हमें ड्राइंग्स दे रखी है पूरी साल की दे रखी है पूरे और मंथ की दे रखी है और हमें एवरेज पीरियड नहीं दे रखा है, तो वो नोट याद रख लेना कि हमें एवरेज पीरियड नहीं दे रखा हो तो क्या होता है 6/12, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। और CBSE बोर्ड के आपके 12th के पेपर आ रहे हैं तो आप क्या करते रहिएगा, उसकी तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।